की भी रिपोर्टिंग जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं ताकि ये स्थिति पता चलती रहे कि वहाँ हो क्या रहा है। आखिर संभावना पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हमारे सहयोगी खार्किव तक पहुंच चुके हैं, वो जरा जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा दे। Absolutely crazy. It's absolutely impossible. It's absolutely unbelievable. In my city, in my country, of 2022. Look at this. Do you remember the Russian army crushed Berkhson? की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर देखिए सड़क किनारे ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो जली हुई हालत में आपको नजर आ रही हैं, और चारों तरफ अगर आप देखिए भारी सन्नाटा आपको नजर आ रहा होगा। कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जहां पर सेनाएं तो आगे बढ़ रही हैं लेकिन युद्ध के निशान जो है वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, और जनरल सिन्हा ये उसी की गवाही दे रहे हैं। यदि आप परमिट करें तो थोड़ा सा मैं ये टैक्टिकल सिचुएशंस हैं, इन पिक्चरों के ऊपर में कोई व्याख्या करना सही नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की विभत्स इतनी बड़ी ज्यादा त्रासदी है। मगर जो बड़ी बात है, देखिए जो स्ट्रैटेजी है, क्यों लोगों को समझना पड़ेगा, विश्व को समझना पड़ेगा क्या अट्रीब्यूट कर रहा है रशिया। रशिया की जो स्ट्रैटेजी है इसको कहते हैं एस्केलेट टू डिस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है बढ़ाओ दर्जे हरारत टू डीस्केलेट अपने बातों को मनवाने के लिए, और ये स्ट्रैटेजी उसने अप्लाई किया था अपने दो मेजर एक्सरसाइजेस के ऊपर में। और दूसरा उसने जो स्ट्राइक किया था क्योंकि समझने को जरूरत है आपके जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने किया था और उसको मैं कहता था टू स्ट्रैंगुलेट टू सबमिशन। वो दो स्ट्रैटेजी पे कर रहा है। हम लोग वेस्टर्न मीडिया कहती है डिस्ट्रक्शन कैप्चर ऑक्यूपेशन, वो नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो तोड़ना चाहता है अमेरिका को, तो उसने पूरा एक्सपोज कर दिया है। दूसरी चीज है नाटो को एक्सपोज किया है। देखिए हंगरी अब कहता है कि मैं इस लड़ाई में नहीं हूं, नाटो का एक पहला हुआ था 3 दिन पहले। आज टर्की कहता है कि मैं अपने एयर स्पेस को नहीं बंद करूंगा। तो ये जो 28 देशों का यहाँ और दो देश तो हैं अमेरिका और कनाडा जो यहाँ यूरोप में, वहां अब टूट पड़ रही है।